आज यहाँ पर जब ये बैठी हैं तो भी इतिहास में इनका नाम लिखा जा रहा है। आज वो इनके उत्पीड़न का कारण बन गए। न्याय और इस तरह की बातें केवल इनके लिए स्लोगन है, इनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। उल्टा इन्हीं को दोषी ठहराया जाता है। FIR तक कोर्ट के कारण हुई है और रात के अंधेरे में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। देखा कि बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम अपने घर में कैसे बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता खबर। जंतर मंतर में हूँ और मेरे साथ अभी मौजूद है कुमारी सैलजा। कई विधायक साथ में आज लेके मैडम समर्थन देने के लिए आए हैं। मैम, आज आप समर्थन देने के आए हैं, खिलाड़ियों से आपकी बातचीत हुई है, क्या मन की बात उन लोगों ने बताई? उन्होंने अपना जो उनका दुख है, उनकी पीड़ा है, वो व्यक्त की है। हमारे ये खिलाड़ी, हमारी बच्चियाँ जो इतने बहादुर हैं और दुनिया में इतनी बहादुरी से गई हैं, कितनी मेहनत करके गई हैं ये, और इस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ आप ये समझ लीजिए कि 99% लोग तो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ तक पहुँचेंगे, और ये अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे। और इतना हम सबको गर्व हुआ, इन पर फख्र है कि इन बच्चियों ने हमारे देश का सर ऊँचा किया, दुनिया में ऊँचा किया, इनका नाम लिखा गया है। और आज यहाँ पर जब ये बैठी हैं तो भी इतिहास में इनका नाम लिखा जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, कि ये सरकार हमारे इन मेधावी बच्चों को, इन खिलाड़ियों को मान सम्मान देना तो दूर की बात है, आज वो इनके उत्पीड़न का कारण बन गए हैं। देखिए, आरोप लग चुके हैं, पुलिस में FIR है, उसके बावजूद गिरफ्तारी ना होना, और अगर हम हरियाणा की भी बात करें, वहाँ संदीप सिंह के खिलाफ भी इसी प्रकार का एक मामला है, क्यों BJP हर जगह अपने इस प्रकार से नेताओं को बचाने की कोशिश? बिल्कुल, हमेशा उनको शील्ड करती है, ना कि न्याय की। न्याय और इस तरह की बातें केवल इनके लिए स्लोगन है, खोखले स्लोगन है, लोगों को गुमराह करने की बात है। और वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हर चीज़ का पर्दाफाश हो रहा है। इनकी असलियत, इनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बार बार कहते हैं, सुन सुन कर हमारे सब के कान तक गए हैं, ना केवल राजनीतिक लोगों के लेकिन आम लोगों के, बच्चियों के कान तक गए हैं। आज जब ये यहाँ पर खड़ी हैं, यहाँ बैठी हैं, इतने दिन से बैठी हैं, तो क्या इनको इंसाफ दिलाना कि कुछ हमदर्दी की बात कभी आई? उल्टा इन्हीं को दोषी ठहराया जाता है। तो आप तो सोच सकते हैं, कायदे से जो सांसद हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं तो सरकार ने कहना चाहिए था उनको कि आप इस्तीफा दे दो, निष्पक्ष जांच होने दो, लेकिन उस ओर तो कोई कदम उठाया नहीं है। कह दिया लेकिन जांच हुई नहीं, FIR तक कोर्ट के कारण हुई है लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और रात के अंधेरे में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या इनको कभी इंसाफ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा या इस सरकार द्वारा? लगता है इनको डराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार आपने परसों रात की घटना का। बिल्कुल वही, बच्चियां अब रात को बारिश में वो जब जाती हैं कुछ सामान लेने, तो पुलिस ने इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? क्या केंद्र सरकार के आदेश पर, निर्देश पर किया गया? बताएंगे, जवाब दे, ये सरकार जवाब दे। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पे, कांग्रेस राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, आपको क्या लगता है ये राजनीति है कुछ और है? देखो, आम आदमी पार्टी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हम तो नैतिकता के आधार पर आए हैं, हमने कोई इसमें राजनीति हम पहले तो नहीं, लेकिन जब देखा कि बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम अपने घर में कैसे बैठे। एक और हम अपने आप को नेता बोलते हैं कि हम लोगों की बात उठाते हैं, और दूसरी ओर हम आए यहाँ पर आए भी नहीं, तो कहाँ गया हमारा कर्तव्य? कर्तव्य हमको निभाना पड़ेगा, इनके साथ आना पड़ेगा। इनको हम न्याय की ही बात कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कह रहे, तो न्याय दिलाने में भी ये सरकार क्यों असमर्थ है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये मुद्दा, किसी ने सवाल उनसे पूछा, बोले यार ये हरियाणा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो दिल्ली का है। आपको लगता है उनका ये जो जवाब था जायज है, ये बयान जायज? हरियाणा के जवाब दे दें, हरियाणा में क्या हुआ? जब उनके एक मंत्री के साथ ये बात हुई, उन पर उंगलियाँ उठी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो विधानसभा में टेबल ठोक कर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बात न्याय की होनी चाहिए, सबके बेटियाँ हरियाणा की हैं, ये बात है हरियाणा की हैं, तो उनको कम से कम सामाजिक रूप से, पूरे हरियाणा की बेटी हैं, बच्ची हैं वो, तो उनके लिए उनके साथ खड़ा, और बल्कि उनको केंद्र सरकार में कहना चाहिए कि हमारी बच्चियों को आप इंसाफ दो। आप क्या मांग करते हैं इस मुद्दे पे? देखिए, जो मांग हमारी बच्चियां करती हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और उनको न्याय देने की बजाय इनका और उत्पीड़न किया जा रहा है। बात ये देख लीजिए, अब परसों रात को भी जो हुआ,
ये तो मतलब बिल्कुल ही एक उत्पीड़न, उसके ऊपर और सवा शेर ये चढ़ा रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं खड़ी होती है? निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई, जाँच होना चाहिए थी। FIR हुई है कोर्ट के निर्देश पर, उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए, संसद को वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये फिट केस है, जब उनको निलंबित करना चाहिए। अब राहुल गांधी को तो निलंबित करने में एक दिन भी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं के उत्पीड़न की बात है, ना आपकी महिला नेता कुछ बोल रही हैं, ना आप ये दिखावा भी कर रहे हैं कि हम न्याय देंगे बच्चियों को। बिल्कुल, कुमारी सैलजा मेरे साथ थी, जो कि साफ तौर पर कहती है कि सरकार इस मामले में पहलवान खिलाड़ियों के साथ न्याय करे। पर आप लोगों को क्या लगता है, जो ये कह रही है सही है गलत है, ये कमेंट करके जरूर बताएगा। कैमरा से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।